ऐ आंदोलन स्वामी, तुझसे कहना चाहता हूँ, देख इस मुल्क का सेकुलरिज्म, मुसलमान आने से पहले मेरे हिंदू भाई हमारे मस्जिदों की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये मेरे हिंदुस्तान का संविधान है, ये मेरे हिंदुस्तान की भाईचारगी है, ये मेरे हिंदुस्तान की मोहब्बत है। हर मामले में खामोश रहने वाली हमारी मोहतरमा एमएलए मैडम साहिबा, जब मस्जिदों का मामला आता है तो कहते हैं कि वॉल्यूम कम की जाए। जो पीपल को सर्वाइव करना होता है, जो जीना होता है, जो बेसिक तीन नीड होते हैं, उन पे हमला किया जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, जागो, नींद से जागो, एक ऐसी क़यादत गुलबर्गा में रकम करो जो तुम लोगों के पूरे मुद्दे हैं वो असेंबली में जाकर आपकी ताकत बने। बीजेपी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है स्टेट में, उसको बचाने के लिए ये नौटंकी करता हुआ नजर आता है, बंदर की तरह नाचता हुआ नजर आता है। दलित सेना की तमाम टीम को दिल की गहराइयों से और जितने लोग यहाँ पर जमा हुए उन सभी की जानिब से सलाम करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम हमारे दीन इस्लाम पर चलें और तमाम मज़हब के लोग अपने अपने मज़हब को माने। वहीं हमारा दीन इस्लाम हमें यह इजाज़त देता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को माने। उसी को मानते हुए हम लोग पीस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। इससे पहले, दो दिन पहले भी हमने तमाम डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम के थ्रू हमारी डिमांड उनके सामने रखी कि यह खुद को आंदोलन स्वामी कहने वाला गुंडा, ये खुलेआम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब करने का काम करता है, दिल में जो आए उस तरीके के भाषण करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो अजान को, जो लाउड स्पीकर को जो कम करना है वो मस्जिदों में नोटिस दी जा चुकी है, उसको वॉल्यूम कम भी किया गया है, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की धमकी देता हुआ नज़र आता है कि अगर आप लोग लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे तो मैं आकर मस्जिदों के सामने ज़्यादा साउंड लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। तो मैं ऐ आंदोलन स्वामी तुझसे कहना चाहता हूँ, देख इस मुल्क का सेकुलरिज्म, मुसलमान आने से पहले मेरे हिंदू भाई हमारे मस्जिदों की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये मेरे हिंदुस्तान का संविधान है, ये मेरे हिंदुस्तान की भाईचारगी है, ये मेरे हिंदुस्तान की मोहब्बत है। वहीं एक कमज़ोर क़यादत हमारे गुलबर्गा में रहने की वजह से आज तमाम गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन इस कड़ी धूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। हर मामले में खामोश रहने वाली हमारी मोहतरमा एमएलए मैडम साहिबा, जब मस्जिदों का मामला आता है तो कहते हैं कि वॉल्यूम कम की जाए। मैं मोहतरमा से कहना चाहता हूँ, आपसे बड़े दानिशमंद, आपसे बड़े मौलाना आलिम यहाँ पर मौजूद है मस्जिदों की क़यादत करने के लिए, मस्जिदों की हर वो चीज़ को देखने के लिए, आपको इस चीज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। क्या सुप्रीम कोर्ट का आपको एक ही ऑर्डर नज़र आया? हमारे मस्जिदों का दूसरे ऑर्डर आपको मतलब नज़र नहीं आते? तो आप जिस तरीके से खामोश रहती हैं, एक कठपुतली का काम करती हैं, उसी तरीके से काम कीजिए। हमारे भी मसले में आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि खामोश रहिए, क्योंकि आपके जो आखा हैं आपको ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके थे हमारे हिजाब के मसले में, हमारे गईकशी के मसले में, हलाल के मसले में हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। देखिए, जो पीपल को सर्वाइव करना होता है, जो जीना होता है, जो बेसिक तीन नीड होते हैं, उन पे हमला किया जा रहा है। पहले रोटी, कपड़ा, मकान, पहले हमारी रोटी, हम क्या खाएंगे उस पे हमला किया गया, उसके बाद हम क्या पहनेंगे उस पे हमला किया गया, उसके बाद हमारे मकानों पे हमला किया गया। ये कमज़ोर क़यादत का नतीजा है। ऐ मेरे नौजवानों, जागो, नींद से जागो, एक ऐसी क़यादत गुलबर्गा में रकम करो जो तुम लोगों के जो मसाइल है, जो तुम लोगों के पूरे मुद्दे हैं वो असेंबली में जाकर आपकी ताकत बने, आप लोगों के मुद्दे उठाए। और मैं आंदोलन स्वामी से कहना चाहता हूँ, ये तू सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, जो बीजेपी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है स्टेट में, उसको बचाने के लिए ये नौटंकी करता हुआ नजर आता है, बंदर की तरह नाचता हुआ नजर आता है। मैं फिर एक बार दलित सेना की तमाम टीम को दिल की गहराइयों से और जितने लोग यहाँ पर जमा हुए उन सभी की जानिब से सलाम करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके का जज्बा उन्होंने आज जगाया है उसको देखते हुए ये तमाम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि पीसफुल जितना हो सके उतना कानून को अपने हाथ में ना लें, पीसफुल, जैसे कि अभी न्यूज़ आ रही है उसको अरेस्ट किया गया है, तो हम सब पीस करें। इस बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं।